फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं जो नई नवेली दुल्हन है उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं दूर करने वाली हूँ, और जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आपकी अभी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है या अभी आप लड़की हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि चतुराई से ससुराल में कैसे रहना चाहिए, चतुर चंड चलाक बहू कैसे बने, आज की मेरी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम की टॉपिक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मीठी वाणी बोले, धीमी आवाज में प्यार से तुनक कर नहीं। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे बोलती हो ससुराल में तो लोगों के सामने आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि इसकी आवाज़ कितनी सुरीली है, और पहले ही लोग आपको पसंद करने लगते हैं। तो मीठी वाणी बोलने में कुछ पैसा नहीं जाता है और कोई भी टेंशन नहीं, इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ससुराल में पहली बार गई हैं, गर्मी भी लग रही है, तभी भी आपको प्यार से बोलना है। और अगर आपको गर्मी लग रही है, लाइट चली गई है, तो वहाँ पे आपको ये शो नहीं करना है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या जैसे आप अपनी भाषा में बोलते रहे यार बड़ी गर्मी लग रही है, तो इस टाइप का आपको वहाँ पर शो नहीं करना है। अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है, क्योंकि एक महीना जो भी समय है, अगर उसमें आपका इम्पैक्ट लोगों पर अच्छा छवि रहता है, जो भी आपके ससुराल के लोग हैं, खासकर जो वहाँ की महिलाएँ हैं, आपकी सास हैं, बुआ सास हैं, तो उन पे तो जीवन भर अच्छा बहू आपको माना जाता है। क्योंकि बाद में आप कहाँ रहोगी, हस्बैंड के साथ बाहर रहोगी या कैसे, ये नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट में आपको शुरू में इन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको तुनक कर किसी से बात नहीं करनी है, धीमी आवाज़ में मीठा बोलना है, आपकी आवाज़ों में मिठास होनी चाहिए। और अगर आपको गर्मी लग रही है तो तुरंत आप बाथरूम जा सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, मतलब कुछ ऑप्शन निकालें जिसमें आप रिलैक्स भी रहें और आपका व्यवहार चिड़चिड़ापन किसी से ना हो। और किसी से काम भी लेना है, देवर जी हैं, ननद जी हैं, आपसे छोटे हैं, तो उन्हें भी बहुत प्यार से बोल के ही आप काम निकलवा सकती हैं। क्योंकि प्यार जो जादू है, बोलने का जो जादू है ना, धीमी आवाज़ में और प्यार से, उसका कोई अलग ही जादू होता है। तो इस चीज़ का आप यूज़ ज़रूर करें। सेकेंड पॉइंट से, तर्क में बहस में मत जाओ। जैसे कि ससुराल में आप गई हो तो कोई भी टॉपिक पे बहस हो या बात हो रही हो, तो आपको वहाँ चुप ही रहना है, शुरू शुरू में कुछ भी नहीं बोलना है। अगर कोई नियम है या कोई परंपरा है, और या वहाँ की सब्ज़ी कुछ अलग बनती, आपके मायके में अलग बनता था, तब भी आपको कुछ नहीं बोलना है। वहाँ पे कोई तर्क में आपको नहीं जाना है, क्या बनता है नहीं बनता है, चुप रहने की कोशिश करें, मतलब शांत रहें, सिर्फ स्माइल दें बीच बीच में, और शांत रहना है, तर्क में आपको नहीं पड़ना है। ऐसा कहा जाता है कि कान बहरा आंख गहरा कर लेना है। अगर आपके मायके के बारे में भी ताना मारा जा रहा है तो ताने को मुस्कुरा के सह जाना है, कोई रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि जानबूझ के बहुत जगह ताना मारा जाता है, बोला जाता है कि ये कुछ कहे, इसका रिएक्शन क्या होगा, तो आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है। आपको वहाँ जांच हो रही है कि आप क्या, मतलब आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा जा रहा है, तो आप क्या रिएक्ट करती हो। तो आपको वहाँ पे एकदम शांत रहना है, कुछ भी नहीं कहना है, और मतलब तर्क में पड़ना ही नहीं है, केवल स्माइल चेहरे पर रखनी है। फिर लोग तुरंत कहने लगते, देखो आते आते क्या, मतलब बोल रही है, कितना ज़्यादा बोल रही है, कितना ज़ोर से बोल रही है, तो इस तरह से आपको मतलब गलत इम्पैक्ट नहीं डालना, छवि आपकी अच्छी होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि वो छवि लोग वर्षों तक याद रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ में हाँ मिलाएं। हाँ, अगर आपकी सासू माँ कुछ बोल रही हैं, बुआ सास हो या कोई भी सास हो आपसे बड़ी हो, तो वो आपके कमरे में अगर आती हैं, आप ऊंचे मतलब पलंग पे बैठी हुई हैं, तो तुरंत आपको उतर जाना चाहिए और उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए बहुत प्यार से, अदब से। उसके बाद आई बैठी अपनी भाषा में, लैंग्वेज में हम लोगों में तो बोला जाता है भोजपुरी बोला जाता है, तो लेकिन आप लोगों की जो भी भाषा है उसमें आप बहुत रिस्पेक्ट से उनको बैठने को कहें, और आप उनके लेवल में बैठने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक संस्कार माना जाता है। तो चलाक बहू बनना है, चतुर चलाकी से ससुराल में रहना है, तो आप ससुराल में काम करें या ना करें, आप अपना ज़्यादा ख्याल दूसरों का कम करें, लेकिन ये आपके अंदर की बातें हैं, लेकिन आपको शो वही करना है जो वो लोग चाहते हैं। आप क्या चाहती हो ये आपको बताना नहीं है, करना है, लेकिन शो करना है कि हम आपके अनुसार काम कर रहे हैं, और उन्हें खुश रखना है।
तो इस तरह की चालाकी चतुराई से ससुराल में रहना होगा, नहीं तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी वहाँ एडजस्ट करने में। तो इस तरह से उन्हें उनके लेवल में नहीं बैठना है, उन्हें खुश रखना है और जो भी बातें हो रही है उसमें आपको हाँ में हाँ मिलानी है। 4 पॉइंट्स है कि दूसरों की भावनाओं की कद्र ज़्यादा ना करें। आप अपने इमोशन का, अपनी भावना का भी ख्याल रखें कि आप क्या चाहती हैं, आपको कैसे हेल्दी रहना है, आपको कब ब्रेकफास्ट लेना है। आपको अपना ध्यान वहाँ खुद रखना होगा क्योंकि वो ससुराल है, आपकी मम्मी वहाँ नहीं है कि आपको खाने को बार बार बोलेगी या किसी काम को करने को। आपको खुद ही ध्यान रखना है, औरों का भी आपको खुद ध्यान रखना है, इसलिए आप अपना ध्यान तो खुद रखें ही। और वहाँ पे आपको दूसरों की भावना का कद्र कहने का मतलब है कि अगर ये भी नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब जो चलाक बहू होती है चतुराई से ससुराल में रहती है वो ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत जाते ही शुरू में बहुत ज़्यादा काम करने लगती है, उसे क्या होगा सुबह जल्दी उठने लगती है। तो आप अगर अपनी क्षमता से ज़्यादा शुरू में काम करने लगोगी और लोगों को अपने पे आश्रित करते जाओगी तो क्या होगा कि जब कभी आपका डिलीवरी का टाइम आएगा या हो सकता है कि फ्यूचर में आप इतना काम ना करो तो लोग कहेंगे कि शुरू में तो बहुत कर रही थी, अभी देखो इसके तेवर बदल गए। बहुत सारे शब्द सुनने को मिलेंगी, नेगेटिव बातें। तो इसलिए आपको शुरू में ही उतना ही काम करना है जितना आपसे हो सकता है, मतलब आपको ऐसा रहना है नॉर्मल कि ना ही ज़्यादा काम करना है ना ही कम काम करना है। आपको नपा तोला काम करना है, मिलजुल कर काम करना है, ये नहीं कि मैं सब कर लूँगी सासू माँ रहने दीजिए नैना जी रहने दीजिए, नहीं, सबसे मिल के काम करना है। मतलब आपको बैठे भी नहीं रहना, काम भी करते हुए आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये भी काम करती है कर रही है, इस तरह से एक्टिव भी रहना है। तो खुद काम सारी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेना है और दूसरों की भावनाओं की कद्र में अपनी भावना अपना हेल्थ को नहीं खोना है। आपको अपना भी कोई इच्छा है, कोई भावना है, कोई पीड़ा है तो उसे भी बताना है, नहीं तो फिर लास्ट तक आपको लोग इस्तेमाल की चीज़ ही समझेंगे, बहुरानी कम और फिर नौकरानी ज़्यादा समझने लगेंगे। क्योंकि जो जितना झुकता है जितना काम करता है मतलब उसे आज के डेट में उतना ही करवाया जाता है, ये शुरू से होते आया है। इसलिए अब चतुराई से ससुराल में रहना है, चलाक बहू बनना है तो आपको दूसरों की भावनाओं की कद्र से ज़्यादा अपनी कद्र करनी होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। कि इच्छा को ना दबाएं, बीमारी पीड़ा या कभी किसी ने कुछ कह दिया बहुत ज़्यादा ही अब आपका अपमान किया जा रहा है और आप वहाँ सही हो, अगर आपने गलती की है तो वहाँ पे आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन सही समय पर क्रोध भी करना चाहिए। क्रोध करने का मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाना या बहुत ज़ोर से बोलना या आपा खो देना नहीं है। क्रोध करने का मतलब है जहाँ आप सही हो वहाँ आपको कुछ बहुत सटीक बात बोलनी है, संक्षिप्त में बोलनी है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की, उसके बाद आपको वहाँ से हट जाना है और उसके बाद आपको मतलब चुप ही रहना है, बात कम करना है जिससे लोग समझ जाए कि इससे बुरा लगा। आप बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो लेकिन किसी को आधा मिनट घूर सकते हो, देख सकते हो कि आपको वो चीज़ बुरी लगी। ये करना बहुत ज़रूरी है और समझदारी से, क्योंकि नहीं तो लोग आप पे क्रोध कोई भी मतलब एक ऐसा ढोल बन जाओगी कोई भी बजा के चला जाएगा। तो शुरू में ही आपको ऐसा व्यक्तित्व वहाँ पे बनाना है कि आपकी अपनी भी कोई वैल्यू है, कोई आपको हमेशा नहीं सुना सकता है, आप जब गलत हो तभी सुन सकते हो, जब सही हो तो नहीं। जैसे कि बहुत सारी परंपराएं भी होती हैं घूंघट लेने की, तो शुरू में आपको बहुत सारे लोग आते हैं तो थोड़ा सा घूंघट रखना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को बहुत लंबा नहीं खींचना है उसको। फिर आपको 2-3 महीना हो गया तो मतलब कहना है माँ जी मैं तो इस घर की बहू कम बेटी ज़्यादा हूँ, इस तरह से बहुत पोलाइटली बोल के वहाँ पे आपको घूंघट नहीं लेने का या सूट पहनने का नाइटी पहनने का परमिशन भी ले लेना है। तो इस तरह से चतुराई से चलाकी से सब काम धीरे धीरे करते चले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घर की बहुरानी हैं आप, ये सोचें, ये ना सोचें कि आप घर की नौकरानी हैं या बहुत डर के सहमी हुई जो बोले वो करने में लग जाओ, नहीं। आपको पहले अपने प्रति खुद स्टैंड लेना होगा, सोचना होगा कि आप घर की बहुरानी हो, बहुरानी हो तो आपको उस तरह का दिखना भी होगा। तो आप हो सके तो स्टार्टिंग में मेकअप करें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से चूड़ी पहने सज धज कर बन ठन के रहें,
क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सिंपल ही मेकअप करें लेकिन मेकअप में रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो शादी का जो नया समय है, आप नौ युवती हो, नई दुल्हन हो, अभी अगर आप सुंदर नहीं लगोगी तो फिर कब लगोगी। तो आपके पास कितना भी काम हो, किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन आंसू बहाने के जगह आपका ये समय है, इसमें आपको खुश रहना है, हस्बैंड के साथ उनसे अच्छे से बर्ताव करना है और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड भी आपको करना है। घर की टेंशन, बहुत सारी टेंशन को आपको किनारे रखना है। तो इस तरह से आप बहुरानी समझे, अपना सोच बदले और काम को धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं है कि आप काम कर लोगे तो दूसरा काम नहीं आएगा। नहीं, जब नई बहू हो तो ऐसा होता है कि आप तुरंत एक काम करके कंप्लीट करके बैठी, तुरंत आपको चाय बनाने के लिए कहा जाए, तो इसलिए आपको धीरे धीरे काम करना है। तो फैमिली में और लोग होंगे तो वो सोचेंगे ये काम करे तो मैं ही चाय बना लेती हूँ। तो इस तरह से कभी आप ये मत सोचना कि मैं सब काम करके फ्री हो जाऊँगी, वहाँ कोई फ्री नहीं होता है। अगर उस तरह का आपका ससुराल का सिचुएशन देख लेना कि वहाँ पर मतलब क्या टाइमिंग है, और बीच बीच में ब्रेक ले लेके कुछ खाते पीते रहना है। ये नहीं कि पूजा करूँगी तो खाऊंगी, तो पूजा करने से पहले आप फल खा सकती हो, मीठा खा सकती हो या शरबत पी सकती हो, क्योंकि खाना पीना, एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है मायके, तो ऐसे ही उसका मन थोड़ा दुखी होता है। और अगर ससुराल अच्छा मिल गया, बहुत मान सम्मान तो बहुत अच्छा, अगर नहीं उस मन मुताबिक मिल पाता है तो ताने हुए, नया माहौल है, बहुत परेशानी होती है। ऐसे में आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा और हर चीज़ अपने हस्बैंड पे मत छोड़िए कि वो आएंगे तब मैं उन्हें बताऊंगी, वो आपके साइड लेंगे। नहीं, वो शुरू से बचपन से अपने घर में रहे हैं तो पेरेंट्स के ही साइड लेंगे। आपको अपने लिए खुद मतलब लड़ना होगा। जैसे लाइफ आपकी है तो बहुत चतुराई से, मैं पहले ही बताई कि चतुर चंड चलाक बहू कैसे मैंने, तो आपको अपने लिए खुद वहाँ कैसे रहना है, दिमाग से आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगा लगा के खुश रह के वहाँ रहना होगा, कि आपको कोई डिगा नहीं सके, कोई हरा नहीं सके, कोई दुखी नहीं कर सके, कोई खुश नहीं कर सके, आप जो चाहो वही हो। पॉइंट है कि चुपचाप काम ना करें, दुख ना सहें। जैसे होता है ना, अगर आप बुद्धिमान हैं तो हर तरफ आपको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान नहीं मिलता है तो सम्मान कैसे लेना है ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही आप बासी खाना खाना या बचा खुचा खाना स्टार्ट मत करो। हाँ, ये होता है अन्न का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर शुरू से ऐसी आदत रहेगी तो आपको बाद में कहा जाएगा ये तो बचा खुचा भी खा लेती है, तो आपकी मतलब आपके साथ तो वैसे ही लोग व्यवहार करने लगेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको अमीरों वाली व्यवहार नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे ससुराल में नम्र भी नहीं रहना है। नम्र रहना है तो ऐसा नहीं कि दब्बूपना आप में नहीं होना चाहिए। आपको मतलब वहाँ पे ऐसा रहना है जैसे कि आप अच्छे घर से हो और संस्कारी हो, लेकिन अच्छे घर से आपका भी खान पान अच्छा है। और इस तरह से शुरू में स्टार्टिंग में आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का, अपनी इच्छाओं का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ससुराल में कुछ कोई कह भी दे तो उसको इग्नोर कर देना, दिल पे नहीं लेना है, और अपना चॉकलेट खाओ, कुछ भी खाओ पियो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। इस तरह से आपको ससुराल में बहुत ही चालाकी से रहना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।